हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशिकला एंड यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ये लॉ रिलेटिंग टू वुमेन के अंदर आता है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले या प्री इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम में वुमेन की क्या लीगल पोजिशन थी। सो स्टार्ट करते हैं। In the pre-independence period, the status of women within the country was in deprived state. The major cause of this was there was prevalence of male dominance. इसमें बोल रखा है pre-independence जो period के time पे जो women के status था वो deprived state था, उन्हें इतनी value नहीं दी जाती थी। The major cause of this was there was prevalence of male dominance. और क्यों value नहीं दी जाती थी? क्योंकि dominant nature था। मेल जो थे वो डोमिनेंट नेचर के होते थे, वो गर्ल्स को या वुमेन्स को इतना अपने से ऊपर ज्यादा समझते नहीं थे। ड्यू टू दिस द पोजिशन ऑफ अ वुमेन वॉज अंडर माइंडेड। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर डेडिकेटेड टूवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर टास्क एंड एक्टिविटीज, नोर वर दे अलाउड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड व्यू पॉइंट। इसमें बता रखा है कि जो पोजीशन वुमेन की थी वो क्या था, अंडरमाइंडेड था। मतलब जो मैन थे उन अंडरमाइंडेड के तौर पे वो लोग वुमेन के साथ सही से बिहेव नहीं करते थे, उनको अपने अकॉर्डिंग समझते नहीं थे। उनको ये लगता था कि अगर हम वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दे देंगे या इक्वल पावर दे देंगे कि वो हर जगह अपने व्यूज को रख सके तो वो हमसे ऊपर हो जाएगी या वो हमारी बात को नहीं सुनेगी। इसीलिए जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन को बोल दिया गया था, उनका एक डेडिकेट काम कर दिया गया था कि उन्हें यही काम करना, उन्हें घर के काम करने, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी। इवन उन्हें अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेने का भी कोई हक नहीं था। वो अपने आइडियाज या व्यू पॉइंट्स को, कोई भी पॉइंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इन एडिशन दे वर ओवरवेल्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, सती चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इम्प्रूवमेंट केम अबाउट इन देयर कंडीशन विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड दे वर गिवन राइट्स। इसमें बता रखा है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड या सती चाइल्ड मैरिज ये सब जो था इसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया था इस्लाम के टाइम पे। द मेन एरिया दैट हैव बीन टेकन इन टू अकाउंट इन दिस रिसर्च पेपर, पोजिशन ऑफ वुमेन बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम, पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, द पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम मेन एरिया को कवर करेंगे इस फर्दर टॉप आगे की वीडियो में कि ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन इन इस्लाम का क्या था, पोजिशन क्या थी मुगल पीरियड के टाइम पे वुमेन की और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे वुमेन की क्या पोजिशन थी। सो स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड है मेडिवल पीरियड, मुगल पीरियड, इस्लाम, स्टेटस ऑफ वुमेन। हम अभी थोड़ा सा कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम पोजीशन पढ़ेंगे अलग अलग की, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन की क्या थी पहले के टाइम पे या मेडिवल टाइम पे और ईस्ट इंडिया टाइम पे। तो द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया बिफोर द कंट्री अटेंड इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस न्यूमरियस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस विद द प्रीवेलेंसेज ऑफ मेल डोमिनियंस। देयर वर कंस्ट्रेंट इम्पोज अपॉन वुमेन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। These include acquisition of education, employment, opportunity, force, child marriage, parda system, sati and so forth. इसमें बता रखा है, key terms दे रखा है कि जो हम इन तीनों में पढ़ेंगे, history of legal position of women in ancient India में क्या थी, medieval में क्या थी और British में, तो इसके अभी हम overview पढ़ रहे हैं। इसमें बता रखा था कि उस टाइम जो मेल होते थे बहुत ज्यादा डोमिनेंट इन नेचर होते थे, पर्दा सिस्टम चलता था, एजुकेशन इतनी मिलती नहीं थी लोगों को, चाइल्ड मैरिज पे फोर्स किया जाता था, सती सो एंड सो फोर्थ, और भी बहुत कुछ। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन देयर अपब्रिंगिंग एंड सोसाइटी इन विच दे लिव। वट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर वुमेन हु मास्टर्ड स्किल एंड एबिलिटीज एंड फाउट फॉर देयर राइट्स। वुमेन ऑल्सो स्ट्रगल फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसमें यह बता रखा है कि जो वुमेन का प्री इंडिपेंडेंस स्टेटस अच्छा भी था, बहुत बुरा भी था। अच्छा कब था? प्री इंडिपेंडेंस से थोड़े टाइम पहले पे, जब हम इंडिपेंडेंस का टाइम, वो जब वॉर का टाइम चल रहा था जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने कितना कुछ हमारे कंट्री के लिए किया था,
और भी बहुत सारे जो वुमेन्स थी उन्होंने काफी अच्छे से हमारे कंट्री को बचाने के लिए ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट भी गई थी। वेयर देयर हैव बिन वुमेन बिलोंग टू लोअर कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु डिड नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड देयर लाइफ कंडीशन वर नॉट एडिक्वेट। इसमें बता रखा है कि वुमेन्स को इक्वल तो राइट्स नहीं मिला था अकॉर्डिंग टू देयर लोअर कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु डिड नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स नहीं मिला था। अगर किसी को कुछ एजुकेशन का राइट था तो वो अपर कास्ट की लड़कियों को उस टाइम मिल भी जाता था बट लोअर कास्ट की लड़कियों को नहीं मिलता था। दे वर डिपेंडेंट अपॉन द मेल नंबर मेल मेंबर एंड वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स पॉलिसीज एंड नॉर्म्स इंप्लीमेंटेड बाय देम। इसमें बता रखा है कि जो वुमेन्स थी वो टोटली डिपेंड थी कि मेल पे कि वो कुछ लेकर आएगा तब हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। वो अपने कोई रूल्स पॉलिसीज नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाती थी बट वो फॉलो करती थी किसके रूल्स को अपने जो मेल था उस घर का या उस वुमेन के लिए। द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज लो। जो उस टाइम पोजिशन थी वुमेन की बहुत ज्यादा लो थी ड्यूरिंग दिस एज वेयर इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ कंडक्ट विच प्रिस्क्राइब वेरियस नॉर्म्स एंड बिहेवियर ट्रेड्स फॉर द वुमेन मेड देम इम्प्लीमेंटेड। दिस पीरियड ऑब्जर्व द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम रेंडरिंग एन इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्फेयर। दे वर कन्फाइंड मेयरली टू द हाउस होल्ड एंड वर रिक्वायर्ड टू कैरी एट ऑल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फैमिली मेंबर। इसमें यही है कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो वुमेन है उनकी ड्यूटी ओनली उनके घर तक होगी उसके घर के बाहर नहीं होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर ऑफ सिस्टम वर पुट इन टू ऑपरेशन विच इम्पोज अनफेवरेबल इफेक्ट अपॉन वुमेन। दीज इंक्लूड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट वर इम्पोज अपॉन विडो रिमैरिज फीमेल फर्टिसाइड फीमेल इन्फेंटिसाइड पर द सिस्टम सती एंड पॉलीगेमी विद द कोर्स ऑफ टाइम द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड सोशल वर्कर मेजर्स वर बींग फॉर्मुलेटेड दैट ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट विद इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसने ये बता रखा है कि बहुत सारे सिस्टम्स को लेकर आया गया था बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए थे कि इसको रिस्ट्रेन किया जा सके स्टॉप किया जा सके विडो रीमैरिज के या पर्दा सिस्टम बहुत सारी चीज को बट उसको रोका नहीं गया। बट ये सब चीज धीरे धीरे हुई इम्प्रूवमेंट आया वुमेन के अंदर। बट अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक था कि हिस्ट्री क्या थी फिर मेडिवल फिर हम मुगल का पढ़ेंगे उसके बाद हम ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी उस टाइम लीगल पोजिशन क्या थी वुमेन की। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। लीगल पोजिशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया। स्कॉलर बिलीव दैट इन एंशियंट इंडिया द वुमेन इक्वल इक्वल स्टेटस विद मैन इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। इसमें बता रखा है हिस्ट्री के टाइम पे जो वुमेन थी एंशियंट टाइम की वो इंजॉय करती थी इक्वल स्टेटस इक्वल विद द मैन मैन के साथ। जैसे मैन के स्टेटस थे या मैन जिस फील्ड में काम कर सकते थे उसमें वुमेन्स भी कर सकती थी मतलब इनके पास इक्वल राइट्स था इक्वल स्टेटस था मैन एंड वुमेन का। ऋग्वेदिक वर्सेस सजेस्ट दैट द वुमेन मैरिड एट अ मैच्योर एज एंड मोर प्रोबेबली फ्री टू सेलेक्ट देयर हाउस होल्ड। ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर ये बोला गया था जो वुमेन है वो एक मैच्योर एज पर ही शादी कर सकती है और फ्री है अपने हस्बैंड को सेलेक्ट करने के लिए। देयर आर वेरी फ्यू टैक्स स्पेसिफिकली डीलिंग विद द रोल ऑफ वुमेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन द स्त्रीधन पद्धति ऑफ द ट्रायंबकजवन एन ऑफिस एट तंजावुर अराउंड C70 30। इसमें ये बात बोल रखी है कि उस टाइम बहुत स्पेसिफिक बहुत कम थे एक्ट या टैक्सेस वुमेन्स के लिए जो एक्सेप्शन करता है स्त्री धन को। ऑल थ्रू रिफॉर्मेटी मेट्रिक मूवमेंट सच एज जैनिज्म अलाउड वुमेन टू बी एडमिटेड टू द रिलीजियस ऑर्डर बाय एंड लार्ज द वुमेन इन इंडिया फेस कन्फाइनमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारी लड़कियों को चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो जैनिज्म हो सभी को अलाउ किया जाता था फेस किया जाता था रिस्ट्रिक्शन उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे बहुत सारे इम्पोज किए जाते थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 6th century। जो चाइल्ड मैरिज था वो स्टार्ट हुआ था 6th century में। लीगल पोजिशन ऑफ वुमेन इन मेडिवल। अब मेडिवल पीरियड में क्या उसकी पोजिशन थी। द इंडियन वुमेन पोजिशन इन द सोसाइटी फर्दर डेट्रियोरेटेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड।
when sati among same community, child marriage and a ban on widow remarriage became part of the social life among some communities in India. उस टाइम बैन किया गया था चाइल्ड मैरिज को, सती सिस्टम को हटाने के लिए थोड़े बहुत एक्ट्स उस टाइम लेकर आए गए थे, थोड़ा बहुत एक्शन किया गया था. इन स्पाइट ऑफ दीज कंडीशन सम वुमेन एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, लिटरेचर, एजुकेशन एंड रिलीजन. ट्रेडिशन अमंग सम कम्युनिटी सच एज सती, जौहर और देवदसी हैव बीन बैंड एंड आर लार्जली डिफंक्शन इन मॉडर्न इंडिया. उस टाइम बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे रिलीजियस को या उनके रिचुअल फंक्शन को, ट्रेडिशंस को बैन किया गया था. However, some cases of these practices are still found in remote part of India. और आज भी मतलब उस टाइम, मतलब जैसे कि मेडिवल के टाइम से और उस टाइम तक, उस टाइम ये बोला गया था कि उस टाइम भी बैन करने के बाद भी ये प्रथा चलती थी. The parda is still practiced by Indian women among some communities and child marriage remain prevalent despite it being an illegal practice, especially under current Indian laws. आज के टाइम में भी पर्दा जो सिस्टम था उसको बैन किया गया है, तो भी लेडीज पर्दा सिस्टम करती हैं. और सबसे पहले बात तो जो हम लोग हैं ना, हम ही लोग उस चीज को खत्म ही नहीं करना चाहते, हम लोग उसे कंटिन्यू अपने लाइफ में आगे बढ़ाते हैं कि ये पहले से चलता हुआ रहा है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ऐसा होता है. सती, सती इज एन ओल्ड लार्जली डिफंक्शन कस्टम अमंग सम कम्युनिटीज इन विच द विडो वॉज इमोलेटेड अलाइव ऑन हर हस्बैंड फर्नल पायर. सती का मतलब क्या होता है, सती बहुत पहले एक प्रथा थी जिसके अंदर अगर उसका हस्बैंड, एक लेडीज का हस्बैंड मर जाता था तो उसके फर्नल के टाइम पर उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था. ऑल थ्रू द एक्ट वॉज सपोज टू बी अ वॉलेंट्री ऑन द विडो पार्ट, इट इज बिलीव टू हैव बीन समटाइम फोर्स ऑन द विडो. विडो को फोर्स किया जाता था एज अ वॉलेंट्री, वो खुद ही इस काम को करे. इट वॉज एबोलिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1829. देयर हैव बीन अराउंड 40 रिपोर्टेड केसेज ऑफ सती सिंस इंडिपेंडेंस. और 1829 के टाइम पे 40% रिपोर्टेड ऐसे केसेज आए हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे. In 1987, the Roop Kanwar case of Rajasthan led to the Commission of Sati Prevention Act. Roop Kanwar case के बाद 1987 के अंदर सती प्रिवेंशन एक्ट को एप्लीकेबल किया गया इंडिया में. जौहर क्या होता है, जौहर का मतलब आप लोगों को पता होगा कि वॉरियर के टाइम पे जब जो मेल पार्ट, जो मेल्स होते थे वो डिफीट, जब कभी उनको लगता था कि वो हार जाएंगे या उनकी वाइफ्स होती थी या उनकी डॉटर्स होती थी, उनको लगता था कि हाँ जो मेल गया है वो लड़ाई करने के लिए वो हार जाएगा, तो वो क्या करती थी, वो अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत बड़े उसके अंदर अपने आप को जला देती थी. बहुत सारी लेडीज इकट्ठा मिलके जौहर के फॉर्म में आग लगाती थी और उसमें जल जाती थी. पर्दा सिस्टम क्या होता है, पर्दा इज द प्रैक्टिस अमंग सम कम्युनिटीज ऑफ रिक्वायरिंग वुमेन टू कवर देयर बॉडीज सो एज टू कवर देयर स्किन एंड कंसील देयर फॉर्म. पर्दा का मतलब होता है कि वो अपनी बॉडीज को पूरे तरीके से कवर करती हैं. इट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोबिलिटी ऑफ द वुमेन, इट कर्टेल देयर राइट्स टू इंटरेक्ट फ्रीली एंड इट इज अ सिंबल ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफ द वुमेन. इसमें बता रखा था रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे वुमेन के ऊपर, उनके राइट्स को कर्टेल किया जाता है कि वो फ्रीली घूम भी नहीं सकती है. ऑब्वियसली पर्दा लग रहा है तो एक रिस्ट्रिक्शन तो हो ही रहा है वुमेन के ऊपर. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस टीचिंग ऑफ आइदर हिंदूज और इस्लाम, कॉन्ट्रेरी टू वुमेन कॉमन बिलीफ. ऑल दो मिसकंसेप्शन हैज अकर्ड ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ प्रीजुडिस ऑफ रिलीजियस लीडर ऑफ बोथ फेथ. इसमें ये बोल रखा है कि ये जरूरी नहीं है कि हिंदूज या इस्लाम ऐसे रिलीजियस फॉलो करते हैं, ये हर लोग फॉलो करते हैं कि वो पर्दा सिस्टम करते ही हैं. देवदसीज, देवदसीज का मतलब होता है कि साउथर्न इंडिया में इस पार्ट को, इस रिलीजियस को मनाया जाता है, मनाया जाता था कि जो वुमेन है वो टेम्पल से शादी कर ले या डेटी मतलब देवता से शादी कर ले. द रिचुअल वॉज वेल एस्टेब्लिश बाय द 10th century AD. 10th century के AD में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. इन द लेटर पीरियड द इलेजिटिमेट सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द देवदसी बिकेम अ नॉर्म इन सम पार्ट ऑफ इंडिया. और कुछ टाइम के बाद इसको, इस एक्ट को या इस रिचुअल्स को या इस रिलीजन को इलेजिटिमेट घोषित कर दिया गया था. क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट में कैसे कैसे क्राइम होते हैं. पुलिस रिकॉर्ड्स शो हाई इंसिडेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जो वुमेन के अगेंस्ट में हो रहे, वुमेन के साथ क्राइम्स हो रहा है.
The National Crime Report Bureau reported in 1998 that the growth rate of crime against women would be higher than the population growth rate by 2010. 2010 तक आते आते जो क्राइम रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट में. Earlier many cases were not registered with the police due to the social stigma attached to rape and molestation case. बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में है नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर किसी का रेप हो रहा है, अगर वो किसी को बताएंगे या कुछ भी होगा तो उनकी उनका जो डिफॉर्मेशन होगा, उनकी बदनामी होगी. इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक शो दैट देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन. बहुत सारे केसेस आ रहे थे, इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे. सम ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एसिड थ्रोइंग, एसिड फेंक दिया जाता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, डोरी चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़कियों को मार दिया जाता था, एंड सेक्स सेलेक्टिव, मतलब लड़का लड़की को, अगर लड़की है तो उसको अबॉर्शन कर दिया जाता था उसका, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, हेल्थ, ईव टीजिंग, सैनिटेशन. बहुत सारे चीज थे, ऐसे ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन हुए हैं एसिड थ्रोइंग में. द थॉमस रिचर फाउंडेशन सर्वे सेज दैट इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन टू लिव इन अ एज अ वुमेन बिलोंग टू एनी क्लास, कास्ट और क्रीड एंड रिलीजन कैन बी विक्टिम ऑफ दिस क्रूअल फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिसफिगरमेंट. अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम इंटेंडेड टू किल और मेम हर परमानेंटली एंड एक्ट एज अ लेसन टू पुट हर इन हर प्लेस. इसमें ये बात बोली गई है जो थॉमस रिचर फाउंडेशन सर्वे थे, उन्होंने इंडिया के अंदर बोला था कि जो इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट डेंजरस प्लेस, कि इंडिया चौथा बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है जहां पर वुमेन फ्रीली रह भी नहीं सकती, चाहे वो किसी भी क्लास, रीड, क्लास, कास्ट, रिलीजन, किसी भी रिलीजन की हो, वो सब वॉयलेट होती है. उनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है जिससे उनको मार भी दिया जाता है या मेम कर दिया जाता है परमानेंटली. उनकी बॉडीज पे ऐसी ऐसी इंजरीज होती है जो परमानेंटली वो जिंदा होके भी जिंदा नहीं रहती हैं. ऐसे लेसन्स को या ऐसे थॉट्स को हमें हटा देना चाहिए था, बट बहुत सारे एक्ट्स भी लेकर आए थे एसिड थ्रोइंग के लिए. इन इंडिया एसिड अटैक ऑन वुमेन हु डेयर टू रिफ्यूज अ वुमेन प्रपोजल ऑफ मैरिज और आस्क फॉर अ डाइवोर्स एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज. एसिड अटैक उन वुमेन के साथ किया जाता था जो मैरिज के लिए मना कर देती, उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती थी और लड़के रिवेंज में लड़कियों के साथ उनके ऊपर एसिड फेंक देते थे. एसिड इज चीप एंड इजली अवेलेबल इन द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ वुमेन लाइफ. जो एसिड है वो चीपली होता है, वो हर मार्केट में या हर जगह अवेलेबल इजली मिल जाता है, जिसके कारण मतलब लोग उसे खरीद के और वुमेन्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. द नंबर ऑफ एसिड अटैक हैव बीन राइजिंग और नंबर ऑफ एसिड अटैक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. डाउरी. In 1961, the government of India passed the Dowry Prohibition Act, making the dowry demand in wedding arrangement illegal. इसमें बता रखा है 1961 के टाइम पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आई थी, जिसमें अगर कोई वेडिंग के टाइम पे डाउरी की डिमांड की जाती है वो उसको इलीगल ठहरा दिया जा गया था कि अगर आप डाउरी मांगोगे तो आपको पनिशमेंट होगी. However, many cases of dowry-related domestic violence, suicide and murders have been reported. और डाउरी के चलते बहुत सारे ऐसे केसेस है जिससे लोगों ने खुद, मतलब लेडीज खुद ही सुसाइड कर लेती थी और अपने आप को वॉयलेट कर लेती थी. काफी कुछ केसेस आए. और डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि मतलब शादी होने के बाद जब लड़की उनके घर जाती थी तो वो लोग इसको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देते थे, बहुत ज्यादा वायलेंट करते थे ताकि वो दहेज के लिए अपने फैमिली वाले से डिमांड कर सकें. इन द 1980s numerous such cases were reported. 1980s में बहुत सारे केसेस को रिपोर्ट किया गया था. 1985 the dowry prohibition maintains of list of present to the bride and bridegroom rules were framed. और 1985 के अंदर डाउरी प्रोविजन मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का लिस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया था ब्राइड और ब्राइडग्रूम के ऊपर. According to these rules, a signed list of present given at the time of marriage to the bride and the bridegroom should be maintained. कि bride और bridegroom जो है वो सभी चीज को maintain करेंगे, वो dowry नहीं मांगेंगे. Child marriage जो है वो आज के time पे ban है और बहुत कम देखने को मिलता है, but बहुत आज भी जो rural area है वहाँ पर child marriage को करते हैं. Child marriage has been traditionally prevalent in India and continue to this day.
हिस्टोरिकल यंग गर्ल वुड लिव विद देयर पेरेंट अंटिल देयर रीच प्यूबर्टी, जब तक उनकी प्यूबर्टी के एज तक तो वो अपने फैमिली के साथ रहती थी पहले के टाइम पे. इन द पास्ट द चाइल्ड विडोज वर कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ ग्रेट एगोनी सेविंग हेड्स लिविंग इन आइसोलेशन एंड सन बाय द सोसाइटी. जो चाइल्ड विडोज हो जाती थी वो अपनी फैमिली के पास रहती थी पर वो बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि सर उठा के सोसाइटी में रह ही नहीं सकती थी क्योंकि जल्दी शादी कर दिया, अगर उसका हस्बैंड मर गया तो वो चाइल्ड विडो हो गई और काफी ज्यादा दिक्कत उनको सहनी पड़ती थी. ऑल दो चाइल्ड मैरिज वॉज आउटलोड इन 1868 इज स्टिल अ कॉमन प्रैक्टिस. इसको खत्म कर दिया गया बट स्टिल ये तो भी प्रैक्टिस में है. एक्ट टू यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 रिपोर्ट 47% ऑफ इंडिया वुमेन एज 2024 वर मैरिड बिफोर द लीगल एज ऑफ 18 विथ 56% इन रूरल. इसमें बता रखा कि 18 साल से कम की लड़कियों की बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई है रूरल एरियाज में. 56% अगर रिपोर्ट देखी गई है तो 56% पाई गई है. द रिपोर्ट ऑल्सो शोड दैट 40% ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड मैरिज अकर इन इंडिया. 40% वर्ल्ड चाइल्ड मैरिज अकर इन इंडिया के अंदर हुआ है. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज इज नॉट लिमिटेड टू ऑब्वियस फिजिकल वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा है जो लिमिटेड नहीं है फिजिकल वायलेंस, इवन वो मेंटली वायलेट भी करता है. डोमेस्टिक वायलेंस कैन ऑल्सो मीन्स एंडेंजरमेंट, क्रिमिनल कॉरिजन, किडनैपिंग, अनलॉफुल इम्प्रीजमेंट, ट्रेसपासिंग, हैरेसमेंट एंड स्टॉकिंग. कुछ भी हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं कि मार दिया पीट दिया खत्म, उससे उसको मेंटली भी कितना इफेक्ट पड़ रहा है और ये इतना इनडेंजर है कि जैसे कोई किसी को किडनैप भी कर सकता है. किडनैप करके भी लोग डिमांड करते हैं डावरी की, हैरेसमेंट करते हैं, ट्रेसपासिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं उसके पीछे. अब पढ़ेंगे हम लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या पोजीशन थी? अभी तक हमने पढ़ा हिस्ट्री, मतलब जो हमारे लीगल पोजीशन थी हिस्ट्री के टाइम पे, लीगल पोजीशन एंशियंट इंडिया के अंदर वो लड़कियों की तो भी ठीक थी बट हमारा जो मेडिवल पीरियड था उसमें लड़कियों की मतलब लड़कियों का जो स्टेटस था वो काफी ज्यादा खराब हो गया था. अब आते हैं लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में तो भी थोड़ा बहुत सुधार आया था, पढ़ते हैं चलो कैसे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेनी सोशल रिफॉर्म सच एज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फुले हैड undergone numerous challenges that were associated with bringing about changes in the status of women within the Indian society. Indian society को अच्छा करने के लिए, status of women, women के status को सही करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे challenges को accept किया और बहुत ज्यादा struggle किया. पियरली चरण सरकार began the first school for the girl in 1847 in Calcutta. तो इसके बाद जो पियरी चरण सिंह सरकार थी उन्होंने फर्स्ट स्कूल बनाया था गर्ल्स के लिए 1847 में कोलकाता के अंदर. ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द असिस्टेंट ऑप्टेन फ्रॉम द गवर्नर बेंटिक राजा राम मोहन रॉय इम्प्रूवमेंट वर बोथ अबाउट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द सिस्टम ऑफ विडो रीमैरिज वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस. और इस टाइम पे जो विडो रीमैरिज को राजा राम मोहन ने विडो रीमैरिज के लिए इम्प्रूवमेंट किया, बहुत सारे स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए मतलब वुमेन का स्टेटस असाई करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स को लेकर भी आए थे. मैनी ऑफ द वुमेन सोशल रिफॉर्मर सच एज पंडिता रामाबाई बिगेन द मूवमेंट दैट पुट एम्फेसिस अपॉन द फ्रीडम ऑफ वुमेन विद द इंडियन सोसाइटी. इसमें बता रखा कि बहुत सारी वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स में भी आई, जैसे कि पंडिता रामाबाई, उन्होंने फ्रीडम इंडिया को फ्रीडम करने के लिए बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे वर्क किए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर मैनी लेडीज हु मास्टर द आर्ट ऑफ मार्शल आर्ट. और इस टाइम पे बहुत सारी लेडीज थी जो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छी थी. रानी लक्ष्मीबाई फाउट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए, उसको फ्रीडम करने के लिए भी फाउट किया था, उसने लड़ाई की थी. दो देयर वर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स दैट लेड टू प्रमोशन ऑफ एबिलिटीज अमंग वुमेन बट वुमेन वर नॉट रिगार्डेड इक्वल टू मैन. इसमें बता रखा है कि जो वुमेन थी वो प्रमोट कर तो रही थी कि वुमेन जो है उनके पास है बट तो भी वो इक्वल मैन के इक्वल नहीं थी. वुमेन का स्टेटस अच्छा हो गया था
बट वो इक्वल टू मैन नहीं थी उस टाइम भी. दो वुमेन इनकल्टेटेड स्किल्स एंड एबिलिटीज अमंग देमसेल्फ इन वेरियस. तो वुमेन्स ने इनकल्टेड मतलब होता है इंक्लूड करना, बहुत सारे स्किल्स को उन्होंने सीखा, एबिलिटीज को सीखी, आर्ट्स फॉर्म सीखे, बट देयर स्टेटस विद इन द सोसाइटी वॉज इन अंडर प्रिविलेज स्टेटेड. तो भी उनका स्टेटस जो था वो इतना सही नहीं हुआ. दे वर डिपेंडेंट अपॉन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. वो तो भी डिपेंडेंट थे जो उनकी फैमिली में मेल पर्सन था उसके ऊपर कि वो उनके डिमांड्स को या उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा. When the East India Company was present, then women was treated as slaves. जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया के अंदर तो वुमेन को ट्रीट किया जाता था एक स्लेव, नौकर की तरह. देयर पोजिशन एंड स्टेटस वॉज इन्फीरियर एज कम्पेयर टू मैन. उनके पोजिशन को मैन से कम किया जाता था, इन्फीरियर किया जाता था. एंड दे वर नॉट गिवन एनी सिग्निफिकेंस, और उन्हें कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं देते थे. इट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉग्नाइज दैट वुमेन रेंडर अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. वुमेन ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपने इंडियन को, मतलब इंडिया को फ्रीडम करने के लिए. Before the rise of 20th century, Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the nation, started a movement that was focused upon elimination of the incapacities and frailties against women within the Indian society. 20th century से पहले, जब राइज होने से पहले ही मोहनदास करमचंद गांधी, जो फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, उन्होंने वुमेन के अगेंस्ट में जो उनको इनकैपेसिटी थी या फर्टिलिटीज थी उसको खत्म करने के लिए भी बहुत सारे एक्शंस लिए थे. इन दिस मैनर इन द मेडिवल पीरियड अटेम्प्ट वर मेड बाय द सोशल वर्कर, फ्रीडम फाइटर्स, भक्ति मूवमेंट इंडिविजुअल एंड अदर इंडिविजुअल टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट विद इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया. वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स भी आए थे उस टाइम. अनदर एस्पेक्ट दैट वॉज फोकस अपॉन इज वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट एज मैन. बहुत एक्शंस या मूवमेंट्स आने के बाद बोला गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट पे मिलना चाहिए मैन के. वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू मैन. मैनी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट वर एनफोर्स बाय द लेजिस्लेचर फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वुमेन. लाइक बहुत सारे कानून बनाए गए जो प्रोटेक्ट करता है और प्रमोशन करता है वुमेन को. जैसे कि द एक्ट ऑफ सती अबोलिश 1829 में बनाया गया था, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, द चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, द वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1937, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. सो अभी तक हमने हिस्ट्री कवर करी थी कि वुमेन का लीगल स्टेटस क्या था पहले के टाइम पे और ब्रिटिश के टाइम पे, मेडिवल के टाइम पे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वुमेन्स के क्या राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ये वाला सब्जेक्ट्स भी हमारे BLLB के सब्जेक्ट सिलेबस में है, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, और जिसका सिलेबस ये है. और इस सिलेबस को हम वन बाय वन कवर करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए विद नोट्स तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस वीडियो, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी. थैंक यू.